सहारनपुर बाग पर मुझे पता कर कितने दुखी हो रही है इंदौर फिरोजाबाद फरुखाबाद एटा जितने भी जिले आए हैं सबके जितने भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ मेरे पास ट्रेन में जो है एक बार जल्दी से जल्दी सरकार है उसने धरने पे बैठाई। अच्छा, सरकार की गलत नीतियों के कारण हम लोग धरने पे हैं। हम आज हमें करीब सातवां दिन हो गया यहाँ पे। 28 तारीख में हम लोग यहाँ पे आ गए थे। गन्ने का आधा सीजन चला गया, अभी तक गन्ने का रेट डिक्लेयर इन लोगों ने नहीं किया। अगर किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए कटीले तार लगा रहा है तो उस पर मुकदमे लिखने गए लोग काम कर रहे हैं। कोई छुट्टा पशुओं की कोई व्यवस्था नहीं के पास है नहीं। बिजली के ऑटोमेटिक बिल इन्होंने बढ़ाने शुरू कर दिए, 5 हॉर्स पावर तक 7 से 10 कर दिए। ये सिर्फ किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी डिमांड है, एक तो हमारा आधे से ज्यादा सीजन गन्ने का चला गया, अभी तक किसान को यही नहीं पता उसकी फसल क्या रेट बिकेगी, पिछले साल वाला रेट मिलेगा या आगे घटेगा या बढ़ेगा। अभी पर्ची पे सिर्फ 000 लिखा रहा है, कोई उसकी अमाउंट लिखा हुआ नहीं आ रहा। दूसरे ही आवारा छुट्टा पशु सांड, इन्होंने हम गेहूं बो के आवे जब तक वो जम के आवे वो उजाड़ के फेंक दे। जब हमारे लिए खाने को कुछ नहीं बचेगा तो ये जनता जो फ्री जो मोदी और योगी बांट रहे फ्री, हम तो कह रहे 2 साल और ऐसे रह रही हो फिर देखे हम ये कहाँ से बांटे। घोषणा पत्र में इन्होंने ये कहा कि हम बिजली जो करंट होगा किसान को वो फ्री देंगे, ये इनके घोषणा पत्र में। जैसे इनकी सरकार आएगी मीटर लगाने शुरू कर दिए, देश में सबसे महंगा बिजली सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में है पूरे देश में, तो मीटर लग के फ्री बिजली कैसे उसको मुआती है, वह टेक्नोलॉजी हमारे पास तो है नहीं। भैया तो घोषणा पत्र खराब है या मीटर खराब है? देखिए ये जो आंदोलन चल रहा है, ये सरकार से हमने कुछ मांगे रखी थी जिसको वो 13 महीने जब गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे उन्होंने जब भी सुनने के लिए वादा किया था कि हम इस पे भी गारंटी कानून बनाएंगे, ना तो उन्होंने MSP पे कोई गारंटी कानून दिया, ना कोई गन्ने का रेट दिया। यहाँ तक कि पिछला गन्ना जो पिछले साल हमने मिलों में दे दिया उसका भी हम तक आज तक भी अभी भुगतान नहीं हो पाया। तो जब हमारे गन्ने के पैसे हमें नहीं मिलेंगे तो हम अपने बच्चों को उनकी परवरिश उनकी पढ़ाई उनको खाने के लिए कहाँ से देंगे ना। ये उस टाइम 450 का भाग गन्ने का रेट मांगे थे, आज इनकी सरकार आएगी 10 साल तक सरकार में बैठे कहाँ है इनका 450 का रेट, गन्ने का रेट ही निकले नहीं कर पाए, फ्री में किसान मजबूर उधार लुटा रहे हैं इन लोगों को। 2006 तक 2014 तक विपक्ष की सरकार रही, 193 रुपए उन लोगों ने गन्ने का रेट बढ़ाया, और ये 2014 2023 तक आके 45-55 रुपए बढ़ाया गया। आप लोगों को किसान हित से सरकार बढ़ाने का ढिंडोरा पीटते फिर रहे, इन्हें अपनी कार्यशैली में सुधार करना पड़ेगा। इनकी करनी और कथनी में धरती आसमान का अंतर है। ये चाहते थे कि पानी के ऊपर काम, कम से कम किसानों को फ्री पानी मिल जाए, हर खेत को फ्री पानी मिल जाए। मनरेगा की मजदूरी किसान को उससे जोड़ दिया जाए, किसान अपने ही खेत में काम करके वो दूसरे के खेत में काम करता है शर्मा होगा,
को शर्म लगेगी, अपने खेत में काम कर रहा तो कुछ पैसे उसको वहां से आए थे। इन्होंने हमने इनके लिए धोखा नहीं किया, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, इसलिए हमने यहाँ धरना धरा। बिजली फ्री करेंगे, कर्ज माफ करेंगे, सारा काम ठीक करेंगे, पेमेंट 13 दिन देंगे, बिजली माफ, कर्ज माफ, गन्ना का पेमेंट 14 दिन भाव बढ़ाओगे, 400 करेंगे गन्ने को हम। ये बेईमान कहते, इन्होंने कोई सा काम नहीं करया, कोई सा काम नहीं करया। हम यहाँ बैठ के हर इनकी दुश्मन आ गई नहीं, हमने तो योगी के मोदी के बाद वोट दी, ये वादे के चोर पाए, हमने एक बार नहीं दो बार भूखे बनाए हैं भूखे। वो बिजली माफ कर दू, 2 रुपए अपनी सरकार में करता, पहले नहीं करे कांग्रेस में, मुलायम ने नहीं करे, चौधरी साहब के जमाने में, टिके साहब के जमाने में आंदोलन होते थे तो उन्होंने किसानों के कर्जे भी माफ किए, बिजली भी माफ की, मुकदमे भी माफ किए। अब योगी भी कर दो, तू करता जा रहा है, उसको ऑर्डर लगाया उसको तो माफ करता, फिर दोबारा फिर देख लेंगे, फिर वो माफ करता है, क्या परेशानी नहीं आएगी उसको, करता तो नहीं जा रहा है तो सब किसानों से। वहाँ तमाम मुद्दे हमारे जिनको लेके ये हमारा धरना चल रहा है और 10 तारीख की पंचायत रखी गई है और उसमें 10 तारीख की पंचायत के बाद हम ये तय करेंगे कि किस तरह से प्रदेश भर में हमको इस आंदोलन में लेके जाना। और जैसा राकेश जी ने बताया, ये प्रदेश का इशू नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, किस तरह से हम जो पोस्टपोन करके अपने आंदोलन को आए थे उसको पुनर्जीवित करके दोबारा से राष्ट्रीय स्तर पे एक सशक्त आंदोलन चलाना है, ये तमाम बातें। नगर जिले से 1000 महिलाएं भारतीय किसान यूनियन टिकैत में जुड़ी हुई हैं और अगर जरूरत पड़ी तो इसको हम डबल भी कर सकते हैं। ऐसे ही हर जिले से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, ये लोग बुलंदशहर से आई हुई हैं, हापुड़ से आई हुई हैं, तो इसमें महिलाओं की कमी नहीं है और महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला के अपने किसान भाइयों के साथ यहाँ पे आके बैठ गई। जैसे जैसे वो लड़ेंगे ऐसे महिलाएं भी लड़ेंगी। अब तक जो है रसोई संभालती थी, मैदान भी संभालेंगे और मैदान के साथ साथ सड़क पे आना पड़ा तो सड़क भी संभाल ली। साजिश रची है, किसानों को कर्जा दे दो, उनकी जमीन उनको भाव ना दो, फसलों के दाम तो देंगे नहीं लेकिन कर्जा देंगे, एक साजिश है। सब लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इनका 10 साल पुराना ट्रैक्टर, जनरेटर, पंपिंग सेट, गाड़ियां, इनकी सब टूटेंगी। ये NGT का आदेश आ गया, उस पर कार्रवाई शुरू हुई, तो किसान क्या करेगा गांव के लोग।